कोई बात नहीं होगी, पहले मुझे अपना काम करने थे, इंटरव्यू प्रोसेस में आप परेशानी ना डालें, ठीक है। बाकी और भी आए हैं, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही आप लोग हैं, कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। प्लीज, नीरज कुमार कौन है? नीरज कुमार जिनके नंबर आए हैं, हम भी कॉपरेट दिखाते हैं, आपने प्रेफरेंस दिखाने हैं, हम ये चाह रहे थे किस तरह की प्रेफरेंस। नेता ना बनिए प्लीज, नहीं नेता की बात नहीं है, चाहिए चाहिए नेता नहीं, नेता ना बनिए, यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, परेशान ना करें और हमें अपना काम करने दें, ऑलरेडी वी आर लेट, ठीक है, आपसे बात करके हमारा टाइम वेस्ट होगा। नीरज कुमार कौन है? तो ये प्रेफरेंस बताए ना किस तरह की प्रेफरेंस बता दी जाएगी, उसमें लिखा है जो उसमें लिखा है वही प्रेफरेंस मिलेगी, कोई दनिष्ठा कोई आप एड के अलावा कुछ नहीं बता सकता मैं आपको, एक शब्द भी एड के अलावा नहीं बता सकता, जो एड में लिखा हुआ है उसके अलावा एक शब्द नहीं बता सकता। नीरज कुमार कौन है भाई? नहीं तो क्या आप बार बार इंटरव्यू करेंगे, वन बाई वन कॉल करेंगे, जो लगे हुए लोग यार मुझे परेशान ना करें, जहाँ जिससे जाके बात करनी है उससे जाके बात करते हैं, ठीक है, मुझे परेशान ना करें, ठीक है, आपको बात करनी है वहाँ पे चंडीगढ़ जाके बात करें, बहुत से बात करें, ये क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं कौन से नहीं, ये बोल रहे हैं ना वन बाई वन कहते हैं, जैसे बाकी लोग बस ये एंटरटेन करेंगे, आप कहते हैं आपने फॉर्म फॉर्म नहीं है सर, हमारे पास लिस्ट है फॉर्म आप दे रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आप हमारे फॉर्म जो ऑलरेडी लगे हुए आप हमारे फॉर्म अभी कंप्लीट लेंगे और हम आपको हैंड ओवर करेंगे और शाम तक हमें ऑर्डर चाहिए, अगर आप नहीं देते हैं तो हमें अपने हिसाब से जहाँ जो जाना है वो कर लीजिए, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ जहाँ जो जाना है वो कर लीजिए, मुझे परेशान मत करिए, ठीक है, और आखिरी बार बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इसके बाद मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, एक साइड हो जाइए, चलिए चलो 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 चलो, परेशान ना करें प्लीज, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, परेशान ना करें, छोड़ो छोड़ो, उसके साथ संगठन नहीं है, आप और लोग यहाँ से सारे ऊपर चलिए, हम अपनी बातचीत करेंगे, और ये जो है सरकार ने पहले मजाक बनाया कंपनी तो उसके बाद हावी होने की कोशिश करेंगे, इनको ऊपर क्या देश है, कोरोना जिनके साथ खान खान है उनके क्या देश है, आप मजाक बनाया हुआ एक प्रोफेशनल, ठीक है मजाक बनाए हुए आप जो मर्जी है बताओ की नहीं, हम बात करने आए हैं, बात करना हमारा हक है, हमारा हक है, हम जो है 15 साल आप हो गया धक्का मारने वाले 11 साल जो नहीं मरे लाएंगे हमारे हमारे 6 किलो क्या करते हैं, बात ये साहब बात करना नहीं चाह रहे कि अंदर कोई नहीं है, हमने ऐसे बात करें, देखिए सर हम 12 सालों से लगे हैं और नीचे नहीं है ऊपर है उधर, आपको आपको तो ये भी नहीं पता कि डर नहीं बता बात है, हाँ तो हमें हमें जो है नेगोशिएशन करनी है, अगर बातचीत नहीं होती है तो आप ऊपर बात करो, जो बात करनी है अब वो पॉइंट नहीं, हमें तो नहीं लेंगे वो उनका ऑर्डर दिया हमें, हाँ तो कैंसिल करिए ना आप, कैंसिल कैंसिल करिए आप, अगर नहीं हो नहीं परेशानी नहीं है, ये सबसे बड़ी परेशानी से हमारे आप क्या जा रहे हैं, 180 लाखों के लिए और हाँ मैं बात कर रहा हूँ, बात ये है कि हमारे ये लोगों की लिस्ट है और हम 12 सालों से लगे हुए हैं, 5-5 बार इंटरव्यू हो चुके हैं, कोई मजाक नहीं है, और एंड द मैटर इज ऑलरेडी सबजुडिशियस, ओके, एंड ऑल दिस प्रोसेस इज विदाउट इज गोइंग विदाउट द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, देखिए श्रीमान जी इसका पहले से कंटेम्प्ट किया हुआ है और ये सारा मामला कोर्ट के विचाराधीन है, ये आउट ऑफ कोर्ट सब कुछ हो रहा है
और इसमें आपने प्रेफरेंस लिखा ना एड में, और उसी सिलसिले में हम नेगोशिएट करने आए हैं। मेरा 170 लोग जो है मेरे पास डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, और इसके अलावा 22 लोग मेरे पास किन्नौर में है, और ये 6 जिलों में इस तरह का सेम का प्रोसेस है। बातचीत करने के लिए हम सिर्फ यहाँ नहीं आए, मेरे 6 जिलों में कॉन्टैक्ट है, और अगला फेज भी आता है इसी तरह से। कॉन्टैक्ट हो, हाँ ठीक है, पहली चीज ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आप इंटरव्यू प्रोसेस में व्यवधान डाल रहे हैं, इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। राइट के लिए हम बोलेंगे, हमने यहाँ नहीं किया, हमने विधानसभा में किया है। और आपको आपको डिस्कस करना है तो जो आप डायरेक्टर हैं उनसे आप डिस्कस करिए। बुलाओ डायरेक्टर को, बुलाओ अगर आप इच्छा रखते हैं। हम सेक्रेटरी डायरेक्टर से बात करेंगे, हमें कुछ नहीं, आपने प्रेफरेंस दिखाया, हमें इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस यू आर गिविंग? प्रेफरेंस का मतलब ये है, हाँ, एम स्टेशन हमें चाहिए जहाँ पर जो लोग लगे हैं, अगर कोई शफलिंग होगी तो उसके हम बिल्कुल खिलाफ है। आप तो क्या, आप बोला है ना, हम तो सरकार को वहाँ घेरेंगे विधानसभा में, करिए करिए। और ये नेतागिरी जो ना आज से नहीं चल रही है, 12 साल से चल रही है, वो नेतागिरी चलाएंगे। और अपने राइट के लिए हम यहाँ नहीं, हम सब जगह कर चुके हैं, हम लोग सब कुछ कर चुके हैं जो हमने करना था, ठीक है। जो भी आप राइट कोई भी चीज़ नहीं काम करेगा, और हमें जो करना होगा वो हम वो करेंगे। उसके लिए लॉ आता आ जाता है, कानून भी हम आज एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं। आपने ये सारा जो प्रोसेस किया है, और इसमें देखिए सर, ये गवर्नमेंट बुलाई हमें, सक्सेसफुली आने के हम आ गए, हम ठीक है, ऑर्डर लो बंद कर देंगे हम। देखो देखो सर, देखो चलने वाली बात नहीं, ये साहब तो हमें चलता कर रहे हैं जैसे हम कुछ है ही नहीं। ये साहब तो ये बोलते हैं कि आप जहाँ जाइए, हम तो वो करेंगे, हम देखिए आपके आपने ही पहले तब आप इन होंगे, अदरवाइज। और मैं इनसे रिटर्न मांग रहा हूँ कि आप रिटर्न दीजिए, हम तब विश्वास करेंगे, हम आपको पूरी एक फाइल सौंपेंगे। अगर ये फाइल मतलब रिटर्न देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जहाँ सब हित की बात है। आप प्रोसेस में जाएंगे तो आप बाहर जाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ, जिसने जाना है वो जा सकता है, बाकी संगठन की बात अलग से होगी। एड में भी लिखी है, और इसको हम आज जो एप्लीकेशन डाल के कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं, है ना जी। जिससे बाहर कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा वो संगठन से बाहर जाएगा, जिसने वो करना है ना। और 6 दिनों में यही प्रोसेस किया जा रहा है, ये लिखित में देंगे, अदरवाइज जो हम साथ करेंगे। ऐसे नहीं विश्वास होता भाई, कल को बात इनके हाथ में जाएगी और शफलिंग हो जाएगी, बंडल बना के देंगे ये लोग, फॉर्म दे दो। ऐसे तो चाहिए होगी,
विरोध विरोध किया गया ना, अगर ये बातचीत नहीं होती आपको ले लिया जाएगा या सेल स्टेशन पे ले लिया जाएगा। कौन कौन इनके लिए नहीं, फॉर्म तो दे दो वो बात। अरे फॉर्म भाई कंप्रोमाइज की उसमें तो आए ना, तब देना फॉर्म भी ऐसे को। अरे बात कंपनी भी है ना, तो फॉर्म में सही चीज हो रही है। अनुरोध आपको पड़ा हुआ है। अरे अनुरोध भाई, अगर ये चाहे कुछ करने के उसमें तो चाहे तो लाइन मेरी बात सुनिए, आपने आप गारंटी देते हैं मेरे को मेरा स्टेशन मिलेगा। मजाक बनाया हुआ है, हर बार ड्राफ्ट, हर बार ड्राफ्ट, वो कभी नहीं आता है, वो वापस ही नहीं आता है। बोलते टीचर नहीं हो गए तो डेली वेजर होते हैं ना, उसको भी एक ही बार लगाया जाता है, जिसको 120 रुपए की गाड़ी मिलती है। मजाक बनाया भाई, ऊपर से पॉलिटिशियन पहले जो है बिल्कुल आपको करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, कहते आपको ही कर रहे हैं, बाद में जो है मुंह नहीं खुलता इनका। तो दो लेटर दो मिले नहीं, में दे दो, अब हम प्रोसेस है वो रहेगी। का मतलब ये है कि जो पहले से लगे हुए हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी क्वालिफिकेशन है, और उनको इंटरव्यू प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा। हाँ, प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिनके एक्सपीरियंस हैं और जिनकी अच्छी जिनकी क्वालिफिकेशन है। नहीं मान लीजिए इंटरव्यू का तो इसने बोल दिया कि मैं इकट्ठा पढ़ रही हूँ, बाकी जगह भी ऐसा होगा, लेकिन जहाँ पर अपना जो होगा। और दूसरी बात, आपकी इतने साल सर्विस करने के बाद आपके पास अप्रोच नहीं है तो आप कैसे अंदर होंगे, और कौन सा संगठन का मेरे को ऐसा नेता है जो आपको एडजस्ट कर दे, मेरे को ये बताओ। आप किसी अप्रोच के चला हुआ और ये डर सता रहा है, इसीलिए मेरा इसीलिए मेरा मुंह खुल रहा है कि मेरे स्टेशन में अगर कोई आता है तो मेरी ताकत नहीं है कि मैं अपने आप को रिटेन कर सकूं। ये तो फिर आपके ऊपर भी ऐसी नौबत आनी है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग भी है जिनकी जो ना तो आज तक संगठन को जानते, कईयों ने तो पहली बातें कहोगा कि यहाँ कोई बोलता भी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो आप लोग आते नहीं है मीटिंग में बार बार बोलने पर। आगे को भी ये लोग भी प्रेशर लगेंगे, इनको भी कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा, तभी आपके हित भी सुरक्षित रहेंगे। हम लोगों ने अगर आज हम सब जगह जूझ रहे हैं, वो चाहे कोर्ट वाइज हो सब जगह, तो आप सबकी ताकत है। एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेरा मानना ये था कि ये हमें कहीं ना कहीं विश्वास में ले, क्लाइंट भी हम इन पर विश्वास न करें, क्योंकि ये छुट्टियों में बदलते हैं, पता नहीं इनके डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं और ये हमें क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर सिटीज में और तहसील हेडक्वार्टर्स में होगा, जहां से आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे, क्योंकि बाहर जो भी बंदे इंटरव्यू देने आया कोई भी बिना अप्रोच के नहीं आया हुआ है ना जी। और हम ये चाहते हैं कि जो भी रिप्लेसमेंट हो, जो भी शिफ्टिंग हो, वो कम से कम बोलने को तो बोल रहा है कि हम आपको ही रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहां विश्वास करें। और सबसे पहले आप मेरी गारंटी लो जो सुबह से बोल रहा है इनके साथ में, है ना। मेरे को कल को बाहर होता है किया जाता है तो क्या आप सब आएंगे? बिल्कुल फिर तो ये है बात। मेरे को ये बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट फिलहाल इकट्ठे कर लिए जाए, इनको भी लग रहा है, इनको भी लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे से करे डिबेट करे अगर लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि
सबसे ज्यादा दिक्कत शिमला में आएगी, रामपुर में आएगी, चौक में आएगी, कोटखाई में आएगी, रोड में आएगी, और सब जगह आएगी। और अब होगा सब होगी, आपको नहीं रखा जाएगा या आपको 10-20 किलोमीटर परे कर दिया जाएगा, वैसे रखने का भी मेरे हिसाब से फायदा नहीं है। आपकी इतनी सैलरी में इसमें अभी कटिंग होनी है, आप क्या अकोमोडेट करेंगे मेरे को नहीं लगता। उल्टा आप परेशान होंगे, बताया कि आपका स्कूल में बन रहा है, घर में बन रहा है, सोसाइटी में बन रहा है, ठीक है, इसको आप फेस कर रहे हैं सारे आपके बीच में बन रहा है। तो मेरे ख्याल से जैसा आप सब बोलते हैं, पर मैं अपने लिए डरा हुआ हूँ, मेरे को समस्या ना हो जाए, क्योंकि इसमें बीच में हो सकता है हमारे बीच ही कोई भाई बैठा हुआ कि ये बंदा कौन है, मेरे को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं दोनों जना भाई लोग, क्या बोलते हैं कौन भाई बोलो, आप सबसे अनुभवी सबसे पुराने बोलो, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या हमारा बोलना गलत है, क्या हमें बार बार में जाना चाहिए, कोई तक नहीं है क्या? और वहाँ आपको डायरेक्टर बताने का माने बहुत ऐसी सिचुएशन आने वाली है, अभी प्रेशर हो फिर दे दिया जाए आपको, दूसरा आकर जाओ आप वहाँ और करो आप करो जरा कम्प्रोमाइज, जो लोग अब ये चाह रहे हैं कि हमें कम्प्रोमाइज करना चाहिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करो और आप चलते बनो, कल को ना मेरी इसके लिए कोई आएगा ना आपके हित के लिए, मैं तो ही किसी की गारंटी लेता, क्योंकि मेरी गारंटी भी मुझे मालूम है कितने लोग संगठन के साथ चलते हैं, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सारा मालूम है, हमारे जेब से पैसा लगा हुआ लेकिन कोई कॉन्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं, हम आपके पास पैसा मांगा नहीं आया, भगवान के लिए मेरे पास भी बहुत है ना जी, लेकिन खुद शर्म होनी चाहिए आप लोगों को, यहाँ हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उल्टा संगठन से पैसा लेके कि हम कोर्ट केस करेंगे और वो पैसा आज तक नहीं वापस किया, कौन तक नहीं सुनते, ये ना तो वो भेज हुआ ना तो जो है पैसा वापस हुआ, किस तरह के लोग हमारे, किसका नाम लूं, और हम लोग मैं बोल रहा हूँ कि 10-20 जगह तोड़े कल को बात यहाँ तक पहुंची है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी सोसाइटी को ये काम दिया गया, तो ये टीचरों की चिंता है जिसके लिए खून पसीना एक किया हुआ है, इन लोगों को तो मजाक लग रहा है, बाद में इसी लाइन में ये भी खड़े होंगे, इसी हॉल में ये लोग खड़े